नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बता दिया था ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट, उसमें दो कैटेगरीज बताए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, उसमें जाने से पहले फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेते हैं जल्दी से, डिनोटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन बाय अल्फा, ठीक है। सो दिस अल्फा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, समझे गए। तो जैसे अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ मोल्स डिसोसिएटेड, मोल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस इज इक्वल टू कितना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। बात समझ गए, गेटिंग राइट। तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो हमारे पास है ये ए एक्स बी वाई है, ए एक्स बी वाई ये डिसोसिएट करेगा, किस तरह से डिसोसिएट करेगा, इसके पास कितने ए है, एक्स ए है और b कितने y b है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, x टाइम्स ऑफ a प्लस y प्लस y टाइम्स ऑफ b माइनस x, है कि नहीं, इस तरह से डिसोसिएशन होगा राइट। अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट डिसोसिएशन इनटू आयंस, दिस इज डिसोसिएशन इनटू आयंस, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैंने यहां पे इसके लिए n मोल्स, एक्स बी वाई के कितने मोल्स लिए, n मोल्स लिए, ठीक है, एंड इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज करो कितना अल्फा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वन मोल ऑफ एक्स बी वाई इज टेकन, अगर पूरा का पूरा एक मोल एक्स बी वाई पर डिसोसिएट होगा तो वो कितना देगा, x moles of a plus y cation देगा और y moles of b minus x anion देगा। अगर ax by का पूरा पूरा एक मोल लिया from stoichiometry, अगर पूरा पूरा एक मोल dissociate होगा तो वो क्या देगा, x moles of a plus y cation and y moles of b minus x anion, समझेगा। अब अभी मैंने यहां पे क्या कहा कि अगर मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना अल्फा लिया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई डिसोसिएटेड इनटू आयंस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई विच इज इक्वल टू एन, समझेगा। तो इसके हिसाब से मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई डिसोसिएटेड, कितने मोल्स ए एक्स बी वाई के डिसोसिएट हुए, कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन इनटू कितना अल्फा, समझेगा, गेट इट। इसका मतलब अगर हमारे पास ए एक्स बी वाई के कितने मोल्स हैं, अगर हमारे पास ए एक्स बी वाई के एन मोल्स हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है इसका अल्फा है, तो क्या होगा कितना मोल डिसोसिएट होगा, माइनस एन अल्फा,
समझ गया गेटिंग, तो बचेगा कितना n माइनस n अल्फा, ये क्या होगा n मोल में से इतना मोल क्या हुआ डिसोसिएट हो गया, तो बच कितना गया n माइनस n अल्फा, मतलब कितना n इंटू वन माइनस अल्फा, यस नॉट। अभी ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, अगर एक मोल पूरा डिसोसिएट होता तो क्या देता x मोल्स ऑफ a प्लस y देता, मगर डिसोसिएट कितना हुआ n अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, तो ये कितना आएगा एक अटैम कितना आएगा, अगर एक मोल पूरा डिसोसिएट होता तो कितना देता x मोल देता, मगर यहां पे डिसोसिएट कितना हुआ n अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, तो एक मोल देता x मोल, तो n अल्फा मोल कितना देगा n अल्फा इनटू x फ्रॉम स्टेटमेंट, समझ गए। उसी तरह से अगर पूरा पूरा 1 मोल ऑफ ax by डिसोसिएट होता तो कितना देता y मोल ऑफ b माइनस x देता, मगर डिसोसिएट कितना हुआ है n अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ax by दे रहा है कितना y मोल ऑफ b माइनस x, तो n अल्फा मोल ऑफ ax by कितना देगा n अल्फा इनटू y, सिंपल यूनिटरी मेथड, समझ गए, तो ये कितना आ जाएगा n अल्फा इनटू y, बात समझ गए गेटिंग, तो इसके हिसाब से मोल्स ऑफ ax by डिसोसिएटेड कितने हो गए n अल्फा हो गए, एंड दूसरा मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई लेफ्ट अनडिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट नहीं हुए कितने मोल्स डिसोसिएट नहीं हुए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन माइनस मोल्स डिसोसिएटेड विच इज एन इन टू वन माइनस अल्फा, समझेगा गेटिंग, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ एवरी वन मोल टेकन, मतलब एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ना मतलब क्या आउट ऑफ एवरी वन मोल हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सब्सटेंस आर गेटिंग डिसोसिएटेड, दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, बात समझ में आएगी गेटिंग ना राइट, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मींस आउट ऑफ एवरी वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस टेकन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, एक मोल में से कितने मोल का डिसोसिएशन हो रहा है उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एंड फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, समझ गया क्लियर हो गया गेटिंग राइट, इसको लिखो पहले जल्दी से फटाफट से, फिर बताता हूं फॉर्मूले भी, तो उसमें ये चीज एप्लीकेशन है, जल्दी करो
हो गया। इस सर्फ का हो गया, दिस पार्ट इज डन, डेटा दो, ये हो गया, जल्दी लिखो। ये एन अल्फा कैसा आया उसका कैलकुलेशन यहां तो शो किया है। अल्फा इतना होता है, सो मोल्स ऑफ एक्स वी वैल्यू डिसोसिएट हुए वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू अल्फा, है कि नहीं, ठीक है ना। कौन वाला स्टेप, ये अल्फा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो कितने मोल डिसोसिएट होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू अल्फा, तो इतने मोल डिसोसिएट हो गए, तो मतलब n मोल में से इतने मोल डिसोसिएट हो गए, तो बचे कितने, इतने, ठीक है। अब अगर स्टोइकोमेट्रिक देखो, 1 मोल ऑफ ax dy कितना देता है, x मोल ऑफ a देता है, अगर पूरा का पूरा 1 मोल ऑफ a कंज्यूम हो रहा होता तो x मोल ऑफ a आता, मगर आउट ऑफ n मोल्स ऑफ ax dy कितना मोल कंज्यूम हुआ है, n अल्फा मोल कंज्यूम हुआ है ना, तो 1 मोल अगर कंज्यूम होता तो x मोल देता, मगर यहां पे कंज्यूम कितना हुआ है, n अल्फा मोल कंज्यूम, तो कितना देगा, n अल्फा इनटू x। उसी तरह से अगर एक मोल पूरा कंज्यूम होता तो y मोल ऑफ b देता, मगर यहां पे n आउट ऑफ n मोल्स कितना मोल कंज्यूम हुआ है, n अल्फा मोल कंज्यूम हुआ, तो n अल्फा मोल कितना मोल b देगा, n अल्फा इनटू y, ठीक है, हो गया इक्वेशन लिख के लिए डन क्या, पढ़ा दो, ठीक है ना। अब उसके बाद परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा इनटू 100 व्हिच इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनटू कितना, यही होगा ना परसेंटेज डिसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कहा जाता है कि द परसेंटेज डिसोसिएशन इज 40%, परसेंटेज डिसोसिएशन इज 40%, यस, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन लिए गए हैं और कहा जा रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन इज 40%, तो बताओ कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, परसेंटेज डिसोसिएशन 40% है, तो इस तरह से क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं अपॉन 100 ना, ये देखो ना परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू 100 ना, तो अल्फा कितना हो गया, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100, तो अगर कहा गया है कि परसेंटेज, अगर मान लो कहा गया फॉर एग्जांपल टोटल n मोल्स है और कहा जा रहा है कि परसेंटेज डिसोसिएशन इज 40%, तो अल्फा कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100, मतलब कितना 0.4, है कि नहीं, राइट, तो कितने, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक मोल लिया है तो एक मोल में से 0.4 मोल का डिसोसिएशन होगा, तो अगर n मोल्स लिए तो n मोल में से कितने मोल का डिसोसिएशन हो रहा है, n इनटू अल्फा, मतलब 0.4 है, बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया, डाउट है नहीं ना, राइट, तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए बस एक चीज लिख लो, तो जैसे अगर हमारे पास ऐसा दिया गया ए एक्स बी वाई gives x times of a plus y plus y times of b minus x, ठीक है, और दिया गया है percentage dissociation of ax by is equal to 40%, तो alpha कितना हो गया, ax by का alpha कितना हो गया, percentage dissociation upon 100, which is कितना 0.4, समझे क्या, और हमारे पास यहाँ पे कितने इसके n moles हैं, तो n मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा, माइनस n अल्फा, गेटिंग ना, मतलब कितना माइनस 0.4n, अल्फा कितना 0.4 है, तो कितना डिसोसिएट होगा, n अल्फा, मतलब कितना माइनस 0.4n, तो बचेगा कितना n माइनस
0.4 है, मतलब n into 1 minus alpha, मतलब 1 minus 0.4, which is कितना 0.6 n, इतना बच गया। अभी ये a कितना फॉर्म होगा, 1 मोल कितना देता है, x मोल देता है। अगर 1 मोल पूरा कंज्यूम होता तो x मोल आता है, समझे क्या? मगर कंज्यूम यहाँ पे कितना हुआ है, n alpha, मतलब 0.4 n कंज्यूम हुआ, तो कितना आएगा n alpha into x, मतलब 0.4 n x, ना? उसी तरह b कितना आएगा, n alpha into y, गेटिंग ना, n alpha कितना है 0.4 n into y, 0.4, लेकिन जल्दी से एक मिनट फिर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज़ फ्रैक्शन है ना, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन उसमें से कितने मोल डिसोसिएट हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड विल नेवर एक्सीड व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा ना हमेशा, या तो लेस देन 1 होगा या तो इक्वल टू 1 होगा, इट विल नेवर एक्सीड 1। बात समझ में आई क्या? हो गया? टाइम क्या? ये हटा दो ऊपर वाला, देखिए ना, परसेंटेज डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये लिखा क्या? ठीक है, नाउ अभी हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये भी हटा दो, तो नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, विच डिसोसिएट ऑलमोस्ट completely into their respective, लिखो जल्दी से, into their respective ions in aqueous solution, मतलब alpha is roughly equal to 1, strong electrolyte, those electrolytes which dissociate almost completely, मतलब almost complete dissociation होता है इन देयर aqueous सॉल्यूशन, उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझे गए? मतलब जैसे अगर हमने यहां पे कहा AXBY, अगर मैंने कहा AXBY एंड ये क्या देगा, ये देगा x टाइम्स ऑफ a प्लस y aqueous प्लस y टाइम्स ऑफ b माइनस x aqueous, समझे गए? राइट, तो यहां पे अगर मैंने लिया इसका n मोल, तो इसका अल्फा मैंने क्या बताया, रफली इक्वल टू 1, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो माइनस कितना, रफली इक्वल टू पूरा पूरा एन मोल,
डिसोसिएट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कितना बचा यहां पे, जीरो बचा, तो ये कितना आ जाएगा, ये देगा ऑलमोस्ट एन एक्स, और ये कितना आएगा ऑलमोस्ट एन वाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस व्हिच डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस इन देयर रिस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशंस, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ गए, गेट इट? जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल लिखते जाओ, सिंपल है एग्जाम्पल। ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, लगभग ऑल सॉल्ट्स, समझे क्या, ऑल सॉल्ट्स एक्वस और मोल्टेन, सॉल्ट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, जितने भी सॉल्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl, KNO3, गेटिंग ना, उसी तरह से जैसे बेरियम नाइट्रेट, जितने भी सॉल्ट्स हैं, CH3COONa एक्सेट्रा, जितने भी सॉल्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे क्या? उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फटाफट लिखो एग्जांपल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HClO4, मैंने ऑलरेडी सबके नाम बताया, पर क्लोरिक एसिड, दिस विल ऑलमोस्ट डिसोसिएट टू गिव H+ ClO4-, पर क्लोरिक एसिड, गेटिंग ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, गेटिंग? उसी तरह से जैसे HX, वेयर X इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सो दिस विल ऑलमोस्ट डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव H+ X-, मतलब HCl, HBr, HI, they are strong acids, समझेंगे? उसी तरह से जैसे HNO3, this will almost dissociate completely to give H+ NO3-. उसी तरह से जैसे H2SO4, almost complete dissociation, 2H+ SO4-2, strong acids, they are strong electrolytes. Clear? Right? उसी तरह से ये डाल दो, done? उसी तरह से next example, strong bases में ये देख लो ध्यान से, कौन कौन से strong bases की category में include होते हैं, strong bases या strong alkalis, alkalis क्या होते हैं, alkalis आर water soluble bases, पढ़ा होगा ये जूनियर क्लास में, alkalis आर नथिंग बट water soluble bases, वो bases, वो hydroxides जो water में dissolve हो जाते हैं उनको alkalis बोलते हैं, ठीक है? तो strong alkalis, strong electrolyte example में we have strong alkalis, मतलब क्या, all alkalis, all group 1 alkalis, मतलब all group 1 alkalis, मतलब LiOH, NaOH, KOH, RbOH and CSOH, all group 1 alkalis, they are strong alkalis. उसी तरह से group 2 में सिर्फ एक ही alkali है जो कि strong alkali की category में आता है, वो है barium hydroxide, group 2 में सिर्फ एक ही alkali है और नहीं, समझे क्या? Right, they are the examples of strong electrolytes. Clear? Right? जल्दी जिनका हो गया, put the heading as weak electrolytes. Those who have done, please put the heading as weak electrolytes. Done क्या? Right? पढ़ाओ इसको, पढ़ा दो. Now we have weak electrolyte. ये भी पढ़ा दो.
now we have weak electrolyte. Right up. Weak electrolyte. चलो मैं लिखता हूं. Those electrolytes which show very less dissociation into their respective ions. Those electrolytes which show very less dissociation into their respective ions in aqueous solution or molten state. In aqueous solution or molten state. मतलब क्या? Alpha is very much less than 1. Strong electrolyte में alpha was almost equal to 1. Roughly equal to 1. Weak electrolytes में alpha is very much less than 1. समझे क्या? Are known as weak electrolytes. Are referred to as weak electrolytes. बात समझे क्या? Right? Get it? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मान लेते हैं कि लेट ए एक्स बी वाई, ये मान लो क्या है, मान लेते हैं कि ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है. ठीक है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कैसे दिखाया जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन के लिए इस तरह का एरो बनेगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, रिएक्टेंट से पूरा आयन बनता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में बहुत कम डिसोसिएशन होता है, और थोड़ा बहुत जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत सारा रिकन्वर्ट बैक भी होता है. समझे क्या? मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. समझे क्या? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग इस तरह का साइन दिखाएंगे. गेटिंग? मतलब फॉरवर्ड एरो देखो बहुत छोटा बना है, बैकवर्ड एरो बहुत बड़ा बना है. मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयंस में ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जो आयंस आएंगे हो सकता है वो रिकम्बाइन होकर वापस से मॉलिक्यूल्स में बन जाए. समझे क्या मतलब? कहने का मतलब ये कि इसका डिसोसिएशन बहुत कम. समझे क्या? तो ये क्या देगा? x टाइम्स ऑफ a प्लस वाई प्लस वाई टाइम्स ऑफ b माइनस x. ठीक है, तो अगर मैंने लिए इसके कितने n मोल्स लिए, ठीक है, तो यहां से कितना यूज होगा? माइनस n अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लिया, तो n इंटू वन माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा? n अल्फा इंटू x, और ये कितना आ जाएगा? n अल्फा into y. Weak electrolyte. समझेगा? Clear? Right. बस लिख लो. Strong electrolyte conduct more current than weak electrolyte. Obvious ही बात है, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना. कंडक्ट दोनों करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों से करंट पास होता है, मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन ज्यादा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन कम होता है. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं. ठीक है, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट के पास बिल्कुल आयंस नहीं होते, हेंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कर लिखा है, they do not dissociate into ions, is why they will not conduct electricity. Non-electrolytes. ठीक है? Right. Examples की अगर हम लोग बात करते हैं, इनके अगर हम examples की बात करते हैं, weak electrolyte, generally weak acids. Weak electrolyte example फटाफट से लिखो. जैसे weak acids. तो वीक एसिड्स जैसे हो गया हमारे पास CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COO माइनस प्लस एच प्लस, उसी तरह से H3PO4, दिस इज अ वीक एसिड, H3PO4 इज अ वीक एसिड. गेटिंग ना? 3H प्लस प्लस
PO4 minus 3 is a weak electrolyte. They all are weak electrolytes. बात समझ में आएगा राइट इन द aqueous solution. ठीक है उसी तरह से वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड एसिड H प्लस प्लस Cl माइनस दे ऑल आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इवन वाटर वाटर इज ऑल्सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट H प्लस प्लस ओ एच माइनस वाटर इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये सब के सब क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट समझेगा क्लियर उसी तरह से वीक बेसेस सिंपल लिख लो ऑल बेसेस एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसेस सबके सब क्या होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल AlOH होल थ्राइस ZnOH होल ट्वाइस MgOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा समझे गए दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर अभी आगे बढ़े इलेक्ट्रोलाइसिस में जो मेन पार्ट है ठीक है तो इलेक्ट्रोलाइट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने हो गया लिखे इस तरफ का हो गया तो ये हटा देता हटा दो समझ में आ गया सिंपल फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन ठीक है हटा रहा हूं नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज इलेक्ट्रोलिसिस कल मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखवाया पढ़ो जरा थर्ड चैप्टर पेजेस क्या लिखवाया था इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सच दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस व्हिच देन माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड टू कॉज अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction to occur ye definition likha theek hai and this phenomena occurs in the electrolytic cell theek hai right so first hum log dekhne wale hain what is the setup of electrolytic cell and then how does the electrolysis takes place theek hai right to sabse pehle सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सो लेट अस सी व्हाट इज द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक है तो ध्यान देना बस इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सारी चीजें बातें बताने वाला हूं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप इसमें ये जो है दिस यू ऑल नो दिस इज व्हाट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी ये बैटरी का सिंबल होता है समझेगा सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ बैटरी समझेगा राइट बैटरी का जो बिगर एंड होता है दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल और जो शॉर्टर एंड होता है दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल यस ना राइट तो ये जो हमने यहां पे बैटरी दिखाया है
इसका जो बिगर एंड है दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और जो शॉर्टर एंड है दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. समझे गए? राइट. नाउ दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू टू प्लेट्स, जनरली मेटल की भी होते हैं नॉन मेटल की भी होते हैं. समझे गए? Getting? So I'm not saying it is connected to the two metal plates. I'm saying it is connected to the two plates. Getting? Or jin do plates se connected hai, those two plates are known as electrodes. Samjhe kya? Ye jo do plates se connected hai, ye metal ke bhi ho sakte hai, ye non-metal bhi ho sakte hai. Samjhe kya? Getting? Abhi jaise jaise topic aage badhega, hum log dekhne wale hain ki ye electrode carbon graphite ka bhi ho sakta hai. Graphite conducts electricity. 10th mein sabne padha hoga. डायमंड कंडक्ट नहीं करता मगर ग्रेफाइट कंडक्ट करता है. समझेगा? सो दीज आर बेसिकली द टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स. वो मेटल भी हो सकता है वो नॉन मेटल भी हो सकता है. नॉन मेटल में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या? ग्रेफाइट. समझेगा? सो दे आर द टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स. समझेगा? गेट इट? द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर भी चार्ज क्या आता है? उसके ऊपर भी चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर भी चार्ज क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. वही जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है? राइट. तो इसको क्या बताएंगे? दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. बात समझेगा? एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड. मतलब कैथोड का पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव पोलैरिटी. व्हाई? दिस वन इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. दिस वन इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एंड positive electrode is known as anode. बात समझेगा? अभी आसान तरीका बताऊंगा याद करने का. ठीक है? उसके बाद ये जो solution या liquid जो filled up है, this is electrolyte. मान लेते हैं, let us consider हमने यहाँ पे जो electrolyte लिया है, वो हमने लिया है molten NaC. Let us assume that यहाँ पे हमने जो electrolyte लिया है वो हमने लिया है molten NaCl as an electrolyte. We have taken molten NaCl as an electrolyte. ठीक है? Right? Getting? तो this is the very basic setup of an electrolytic cell. This entire setup is known as electrolytic cell. अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी होती है बैटरी में करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये जो बैटरी हमने दिखाया है इस बैटरी में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहां से होगा? पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्म बिकॉज ये क्या कंडक्टिंग है ना, ये इलेक्ट्रोड कैसा कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इस एनोड के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर करेगा. Get it? And because solution में क्या ions है? Electrolyte. तो electrolyte क्या करेगा? It will allow the current to pass. Get it? तो इस anode से होकर के जाएगा किसमें? Cathode में. Anode through electrolyte to cathode. And cathode भी कैसा है? Conducting है. Get it? तो यहां से जाएगा और yes, please. ठीक है? राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. बात समझ में आई क्या? क्लियर? अच्छा, अभी उसके बाद तुम पीछे चले जाओ, पीछे जाओ. एंड तुम लोग भी ऐसा पीछे चले जाओ.
पीछे वाले पेज से सॉल्व कर लो, ठीक है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब ये अगर ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ करंट। तो अगर करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, ऑपोजिट होगा ना। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होने वाला, ऑपोजिट होने वाला है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, ऑपोजिट, ठीक है, राइट, क्लियर हुआ। नाउ व्हाट हैपेंस, अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl है, NaCl यहां पे मोल्टेन है, आपको सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टेन NaCl, मतलब देयर इज ओनली NaCl, देयर इज नो वाटर, गेटिंग ना, मोल्टेन हो सकता है, गेटिंग राइट। दिस विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, Na प्लस लिक्विड प्लस Cl माइनस लिक्विड, समझेगा ये क्या है, कैटायन, दिस इज कैटायन एंड दिस इज व्हाट, एनायन। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो जब करंट पास किया तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ गया, ऑपोजिटली चार्ज आयंस आ गए, ठीक है, राइट। नाउ पोलैरिटीज भी कैसे, प्लस माइनस पोलैरिटी, तो यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज आया है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन आया है। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस विल माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। मतलब जो कैटायन है उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कैटायन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है कि नहीं, एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड, गेटिंग ना। उसी तरह से एनायन क्या है, नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड, समझेगा। अब देखो बहुत आसान तरीके बता रहा हूं, याद करने, एक बार ये कैटायन्स और एनायन्स आ गए, अभी कैसे याद करने का, अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनोड की, जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एनोड की। अब बात को सुनना ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन which is negative and A for anode which is positive. Therefore, anion migrates, जो कि negative ion होता है, migrates towards एनोड, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू रिमेंबर द पोलैरिटी ऑफ एनोड, सिंपल, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, क्योंकि सबको पता है एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये कोई कभी नहीं भूलता, एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भूल सकते हैं, मगर एनायन हमेशा नेगेटिव है, दिस नो वन कैन फॉरगेट, सिंपल, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड मींस एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। अब इसके पीछे लॉजिक, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, एनायन नेगेटिव चार्ज है एंड ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड मतलब एनायन इज मूविंग टुवर्ड्स एनोड, इसका मतलब एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। Simple method to remember the polarity of anode in an electrolytic cell. A for anion, A for anode. Anion is negatively charged. Getting it? Right?
एंड सिंस एन आयन माइग्रेट्स टूवर्ड्स एनोड, इसका मतलब एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, समझे क्या? गेटिंग? तो इसका रीजन क्या, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, एनायन माइग्रेट्स टूवर्ड्स एनोड, समझे क्या? तो एनायन पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एनोड पे डेफिनेटली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा अब दूसरी बात ये डालो, अब जब एनायन एनायन पहुंचा कहां पे, एनायन पहुंचा इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, एनायन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता, मतलब क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ना एनायन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता, मतलब क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एनायन जब एनोड पे पहुंचेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि द आयंस आते हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड वहां पर जाके क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो पहला पार्ट देखा एनायन आते, दूसरा पार्ट देखा आयंस आते, दूसरा पार्ट देखा कि उसमें से एक आयन माइग्रेट कर रहा किसी तरफ, एनोड की तरफ, अब उसके बाद क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, तो A for anion, A for anode, anion migrates towards anode. अब जब anion पहुंचा anode पे, anion पे कौन सा चार्ज है? Negative charge है, मतलब क्या उसके पास extra electrons है। तो anode पे जाएगा, तो क्या करेगा? It will lose the extra electrons. Getting? And it will undergo lose the electrons and it will undergo a non-spontaneous oxidation reaction. Which is carried out in the presence of electricity. समझे क्या? ये सब जो हो रहा है ये electric current के presence में हो रहा है ना, electric current ना हो तो कुछ नहीं हो, समझे क्या? Getting? So therefore, since anion has excess of electron, so anion on reaching anode will lose excess of electron, मतलब क्या, non spontaneous oxidation occurs in the presence of electricity. That means यहां पे anode के बारे में हमें दूसरी चीज क्या पता चली है, anode पे always oxidation half reaction occurs. तो एनोड के बारे में यहां पे जो हमें नेक्स्ट थिंग जो पता चली है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड, एंड यस इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बात समझ में आएगी राइट? उसी तरह से एनोड सेट हुआ उसी तरह से। अब देखो दूसरा, C for cation and C for cathode. Cation is positive and cathode is negative. मगर हो सकता है कि cathode का polarity भूल जाए। Getting? तो कैसे याद करना है? C for cation, C for cathode. Therefore, cation migrates towards cation migrates towards cathode. Opposite charges attract. Now again, a very simple method to remember the polarity of cathode. C for cation, C for cathode. ये सबको याद रहता है कि cation में हमेशा कौन सा charge है? Positive charge. तो पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली किस पोल की तरफ जाएगा? नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा। इसका मतलब कैथोड पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो जस्ट रिमेंबर, सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड, कैटायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड।
तो क्योंकि कैटायन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड कहा जा रहा है सी फॉर कैटायन, सी फॉर कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज कैटायन कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस कैथोड पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बस समझ में आ गया, गेटिंग? अच्छा, नाउ एक बार ये सेट हुआ, अब देखो, अब क्योंकि हमें पता है सिंस कैटायन हैज व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैटायन के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देयरफॉर सो कैटायन ऑन रीचिंग कैथोड यस गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेटिंग ना, that means non spontaneous reduction half reaction, reduction half reaction occurs in the presence of electricity। तो यहां से कैथोड के बारे में दूसरी बात हमें क्या पता चली, दैट मींस एट कैथोड हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑलवेज रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा, समझेगा राइट। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स, कैथोड पे इट इज ऑलवेज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट अकर्स, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, याद करना कि कहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कहां पे रिडक्शन होगा, क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, वेरी सिंपल। ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, एनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड बिकॉज एनायन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पहली चीज। क्योंकि एनायन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट मींस एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड इट विल लूज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, मींस एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड लूजेस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, मतलब एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड, यस दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल। उसी तरह से C for cation, C for cathode. Cation migrates towards cathode. क्योंकि cation में positive charge होता है, इसका मतलब cathode पे कौन सा charge है? Negative charge. मतलब cathode is the negative end. Cathode is the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is cathode. Negative. समझेंगे? And because cation के पास deficiency of electron होता है, इस वजह से cation जब cathode के पास पहुंचेगा, तो जो electron anode पे lose हुए, देखो ना, एनोड यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए, समझे क्या? अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले कहां पहुंचे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हुए, यहां से निकले और कहां पहुंचे, कैथोड पहुंचे, समझे क्या राइट। सो जो कैटायन पहुंचते हैं कैथोड पे, वहां पे जाके क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बिकॉज कैटायन के पास क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज व्हाई अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन अकर्स एट कैथोड, मतलब कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन अकर होगा, सिंपल वे टू रिमेंबर, नेक्स्ट वन जल्दी।
समझ में आ गया? इस तरफ का तो हो गया होगा ना, इस तरफ का हो गया, ये नीचे वाला हटा दो, सबका हो गया ना? सब दोनों देखो दो मिनट लगने वाले हैं तरीके सीरियसली। अब हटा रहा उसको, तो आप बताओ। अब देखो ध्यान से, तो अभी यहां पे क्या होगा? At anode क्या बताया जाएगा? Cl minus will migrate towards anode, समझे क्या? Cl minus towards anode, तो anode पे क्या होगा? Oxidation of reaction होगा ना, getting ना? पहले एनोड को लिखने वाले, ठीक है? पहले ये देख लो, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगा, यानी पहले एनोड का ही ऑक्सीडेशन देखना है। सबसे पहले एनोड जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, पहले उसको ही कंसीडर करना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 2Cl-, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, क्या देगा? -1 से Cl2 प्लस कितना? प्लस कितना? 2 है कि नहीं? राइट, उसी तरह से एट कैथोड पे क्या होगा? Na प्लस मूव्स टुवर्ड्स व्हाट? कैथोड। तो कैथोड पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na सॉलिड, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ कैथोड, जबकि क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, क्या बताया जाएगा? Cl2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, समझे क्या? तो ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ? ये हो गया लिख के पूरा नीचे, तो देखो जरा, सुन लो पहले। ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? अब देखना ध्यान से, क्या होगा? 2Na plus and 2Cl minus, add कर रहे ना दोनों reactions को, तो reactant यहाँ पे 2Na plus plus 2Cl minus, 2Na plus plus 2Cl minus मतलब क्या? 2NaCl, समझे क्या? तो ये क्या हो गया? 2NaCl, this is basically 2Na plus plus 2Cl minus, plus कितना? ये 2 electrons, and this will give you what? This will give you 2Na solid plus Cl2 gas which is evolved at anode plus 2 electron। अब खुद ही देखो जरा, NaCl सबके घर पे होता है, क्या कभी देखा है कि NaCl को ऐसे रखे रखे पैकेट में स्टोर्ड है या किसी कंटेनर में स्टोर्ड है? ऐसे रखे रखे NaCl से सोडियम और क्लोरीन अलग हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, मतलब NaCl अपने आप तो सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट नहीं कर सकता। अगर NaCl से सोडियम और क्लोरीन सेपरेट करना है मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये क्या है? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? जल्दी करो, फिर अगला एग्जांपल देखो, दो मिनट का वेट।
हो गया। इस तरफ का हो गया 202 मिनट, 2 मिनट पूरा लिख लेगा इतना। इतना लिखते 2 मिनट चाहिए, इतना पूरे थे 2 मिनट। अच्छा इतना हो गया, पूरा हो गया ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हटा दो पूरा नीचे का, हटा दो पूरा। राइट नाउ अब देखो अगला वाला एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, ध्यान से देखना, NaOH, electrolysis of molten NaOH। अच्छा इसमें जाने से पहले एक चीज और ऐसे देखते, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मैंने कॉमन एग्जांपल दिया कि NaCl रखे रखे तो ऐसा कन्वर्ट नहीं होता। दूसरी चीज हमने देखा है कि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव डिसीज लेकर भारत सरकार का नाम हाइड्रोजन से काफी पहले आता है, मतलब उसका एनोड ऑक्सीडेशन कैसा है, पॉजिटिव। मतलब सोडियम के लिए क्योंकि वो मेटल है तो उसके लिए जो फेवरेबल थिंग है वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन है, पता है ना? ना मतलब सोडियम के लिए जो फेवरेबल रिएक्शन है वो क्या है, Na से Na प्लस फेवरेबल। यहां पे क्या हो, उल्टा हो, तो ये फेवरेबल नहीं है। उसी तरह क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। हमने देखा क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। क्लोरीन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव था प्लस 2.87 और क्लोरीन का क्या था प्लस 1.36 था। मतलब क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मतलब काफी ज्यादा है, मतलब क्लोरीन का रिडक्शन रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? मतलब Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl- ज्यादा पॉसिबल। और यहां पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसीलिए ये क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, and this is taking place in the presence of current I। तो current show कर लो, यहाँ पे भी current show कर लो और यहाँ पे भी current show कर लो। ठीक है? Now electrolysis of molten NaOH, तो जब हमने molten NaOH से current pass किया तो क्या होगा, this will give Na plus plus OH minus, ठीक है? Getting? पहले anode की बात करेंगे, तो at anode, A for anion, A for anode, मतलब क्या? OH minus towards what? Anode, समझे क्या? ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ लिख लो, जो electrodes लिखा है, they are conducting electrodes. मेटल नॉन मेटल होना जरूरी नहीं, दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। और ये भी कैसा है, कंडक्टिंग होना चाहिए, मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। नॉन मेटल का सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेफाइट का, कार्बन या ग्रेफाइट, समझे गए? राइट, OH- माइनस माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो अब देखा ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ OH- बहुत यूज होने वाला है, पूरे इलेक्ट्रॉन में बहुत यूज होगा। और इंपॉर्टेंट भी, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ OH माइनस क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ OH माइनस, देखना ध्यान से, 4 OH माइनस गिव्स 2 H2O लिक्विड प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब व्हेन OH माइनस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, समझे क्या? राइट, मतलब क्या, O2 गैस, दैट मींस O2 गैस इज इवॉल्व एट एनोड
when oxidation of OH minus occurs. Just learn this reaction. Learn this reaction. Very important. बहुत बार यूज होगा. Learn this. ठीक है? Right. And इसका E naught oxidation OH minus से O2. This is minus 1.234. समझे क्या? Right. And then at cathode क्या होगा? What will happen at cathode? C for cation, C for cathode. कैटायन क्या है? Na plus. Getting? तो क्या बताया जाएगा? Na plus migrates towards what? Cathode. ठीक है. So cathode पे क्या होगा? Reduction of reaction होगा ना? Non-spontaneous reduction of reaction. So what will happen? Reduction of reaction क्या होगा? यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है ना? तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन गेन कराने पड़ेंगे ना? तो पहले बैलेंस कर देते. 4Na plus प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4Na सल्फर. समझे क्या? राइट. एंड इसके हिसाब से ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा? 4Na प्लस and 4OH minus 4NaOH. This is what? 4NaOH. Basically this is 4NaOH is basically what? 4Na plus plus 4OH minus plus kitna? 4 electrons and this will give what? 4 sodium solid plus kitna? 2H2O liquid plus O2 प्लस कितना? 4 इलेक्ट्रॉन. O2 गैस इज इवॉल्व. इन दिस केस गैस इवॉल्व इज ऑक्सीजन. बात समझ गए? क्लियर हुआ? हो गया. नाउ जस्ट पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. पुट द नेक्स्ट हेडिंग एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज. अगली हेडिंग डाल लो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. दिस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? विल स्टॉप हियर. थैंक यू.